एमएम खान मालेगांव का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ और बिल्डर भी हूँ। मालेगांव के अंदर जो भी आमदार चुन के आएगा उसने मालेगांव का विकास के लिए काम करना चाहिए। एजुकेशन के अंदर मोस्टली एजुकेशन के अंदर अपने अल्पसंख्यक बहुत पीछे है। एजुकेशन के हिसाब से जो भी है मेडिकल लाइन से इंजीनियरिंग लाइन से यहाँ पर कॉलेजेस आने चाहिए और उसके बेसिक लेवल जो भी बेसिक लेवल अपना सुधरे नहीं है। इंग्लिश मीडियम के हिसाब से उर्दू मीडियम के हिसाब से जो भी टीचर्स लोग है वो टीचर्स लोग अच्छे चाहिए और एजुकेशन सुधरना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे के जो बहुत सारे रास्ते आमदार साहब ने किए पहले लेकिन बहुत सारे रास्ते बाकी है, वो रास्ते और सुधारने का है ज़रूरत है। और विकास मेन चीज़ है एजुकेशन के अंदर। मेरा नाम है शेख लतीफ, मैं सलीम नगर में रहता हूँ और मालेगांव का मेरे से एमएलए से ये तकरार है कि मालेगांव के रोड इतने ख़राब हो चुके हैं। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मुझे इतनी तकलीफ होती है रिक्शा चलाने में और ये गांव का जो अतिक्रमण है उसे भी हटाना चाहिए, ये मेरी आमदार साहब से उम्मीद है। और रोड गटर ये सब इसका काम होना चाहिए और गाँव शहर में बेरोज़गारी बहुत है तो कोई ऐसी स्कीम आना चाहिए या कोई कंपनी आना चाहिए, ये ऐसी मैं आमदार साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ। और जो ये तकलीफ है वो तकलीफ़ को दूर करना चाहिए। मेरा नाम इकबाल अहमद है, अब्दुल कुद्दूस साबिक काउंसलर हूँ। आने वाला जो आमदार है उससे हमको ये अपेक्षा है कि एक काम होना चाहिए हमारे शहर का। हमारे शहर का काम तो ऐसा है कि कोई तो भी यानी तफरी का लोग यानी बाहर से आए देखने के लिए, कोई गार्डन हो जैसे ये किला है किले के सुधारने होना चाहिए, जो भंगार की वजह से पड़ा है सब खाली पड़ा है तो यहाँ पर तो उसको सुधारने होना चाहिए कोई तो भी, ताकि बाहर से लोग आए यहाँ देखने के लिए। अब कम से कम मालेगांव का नाम हो जाए, पावर लूम की जो सनत है यानी वो जिंदा रहे, उसके लिए जो भी तकलीफ आती है उसको वो दूर करते रहे। आमदार से हमके हमारी यही अपेक्षा है आगे। मैं अनीस अहमद हकीम फतेह मोहम्मद के यहाँ से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ के जो भी एमएलए बने गांव की तरक्की के लिए अच्छा काम हो, मालेगांव की सनत जो लूम की उसके अच्छा काम हो, यहाँ सिविल अस्पताल के लिए अच्छा इंतज़ाम हो, यहाँ पे मरीजों को बहुत तकलीफ होती है उसका अच्छा इंतज़ाम हो, साफ सफाई का नज्म अच्छे तरीके से हो, हम ये चाहते हैं जो भी एमएलए साहब चुन के आए। हाँ, मेरा नाम अब्दुल मालिक है। गर्मन का ऐसा है कि यार अगर अतिक्रमण खत्म हो जाएंगे तो फिर हमारा यानी रोजी रोटी कैसे चलेगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। फैजान परवेज मेरा नाम है। अभी ब्रिज का काम चालू है, वो भी अच्छा है। बस जो पानी का जो प्रॉब्लम है, बारिश होती पानी जमा हो जाता, वो सब भी हल कर देना चाहिए। मेरा नाम रियाज अजगर अंसारी है, मैं चंदनपुरी गेट एरिया में रहता हूँ, मालेगांव का रहवासी हूँ। और मालेगांव में आने वाला जो भी एमएलए है ऐसा होना चाहिए कि पढ़ा लिखा हो और मालेगांव का जो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है आज तक के, मैं बचपन से तो देखते आ रहा हूँ कि डीपी रोड अभी तक के कहीं ओपन नहीं हो पाया है। ये सब चीज़ें जो है ये मालेगांव की तरक्की के लिए है, वो सब काम आज तक होता नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि मालेगांव तरक्की करे। अब एजुकेशन की तरफ से अगर देखा जाए तो मालेगांव में एजुकेशन जो है पहले की बनिस्बत अभी काफ़ी बढ़ रहा है। यहाँ के लोग IPS बन रहे हैं, IAS भी अभी कर रहे हैं, तो काफ़ी पढ़ाई लिखाई में तरक्की हो रहा है। लेकिन शहर में रहवासी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो काफ़ी सहूलतें नहीं मिलती है बाहर की शहरों की बनिस्बत। तो हम ये चाहते हैं कि अगला जो भी MLA आवे वो डेवलपमेंट करे, ग्रीनरी हो, लोगों के लिए थोड़ा सैर व तफरी के लिए मुकाम बने, ये सब चीज़ें होना चाहिए। मेरा नाम आतिफ अख्तर है और मैं BSc DMLT की ग्रेजुएशन से हूँ और मैं यहाँ पर होटल चलाता हूँ।
और जॉब भी करता हूँ पार्ट टाइम। और यहाँ पर मालेगांव में जैसा कि सर बोल रहे थे कि एमएलए कैसा रहना चाहिए, क्या एमएलए की अपेक्षा है, कैसी डिमांड रहना चाहिए, तो यंग युवा को यही चाहिए कि यहाँ का एमएलए हो तो वो हर तरीके से सबका साथ दे, सबके लिए काम करे। और फिर जैसा हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कॉलेजेस, एजुकेशन सब सही तरीके से हो, इंडस्ट्रियल सब अच्छा हो, इंडस्ट्री हो, और फिर वहाँ पर सुविधाएँ हो, जॉब की फिर वैकेंसीज हो, और आम नागरिक के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ यानी जिसके पास पैसा हो वही जॉब कर सकता है, वही एजुकेशन कर सकता है, गरीब के लिए भी एजुकेशन होना चाहिए, गरीब के लिए भी कुछ ना कुछ सुविधा होनी चाहिए। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि गरीब रुक जाए, गरीब पैसे के लिए पढ़ाई ना कर पाए पूरी तरीके से। एमएलए पूरी तरह से इस बात का ध्यान दे, फिर उसके बाद डेवलपिंग के लिए कैसी डेवलपमेंट है, डेवलप्ड वैसा होना चाहिए मालेगांव में, क्या डेवलपिंग है क्या नहीं है, वो सब चीज़ की सुविधा रहना चाहिए। हमारा एमएलए ऐसा होना चाहिए कि वो सब तरीके से ध्यान दे इस बात पर कि कहाँ पर कौन सी चीज़ किस तरीके से डेवलप हो रही है, कहाँ पर किसको किस तरीके की दिक्कत आ रही है, वहाँ पर फौरन उस पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए। हमें ऐसे ही एमएलए चाहिए। मेरा नाम यूसुफ है, ये अपन जो धंधा करते हैं टोस काली बटर का, और यहाँ के जो आमदार है उनसे ये शिकायत है कि ये जो है मतलब गटर वगैरह बहुत ख़राब है, उसके अलावा जो अतिक्रमण है गाड़ी वगैरह लगती है उनको बहुत तकलीफ होती है, तो अतिक्रमण के जरिए से कुछ ना कुछ करा जाए ऐसा ये अपेक्षा है। जयवर्षन मानकचंद कांकरिया, आपण ह्या ठिकाणी आलात त्याबद्दल तुमचे पहिले हार्दिक अभिनंदन करतो, आणि मालेगाव शहराची कशी व्यवस्था होईल त्या दृष्टीने आपण सर्वांनी काम करायला पाहिजे। या ठिकाणी अनेक समस्या या मालेगाव शहरात आहे, त्या समस्याचं आपण निवारण करायला पाहिजे, आणि जेव्हा जेव्हा काहीही संकट मालेगाववरती येईल तेव्हा सर्व संबांधव बनून आपण सर्व एक ठिकाणी येऊ, कोणत्याही प्रकारचे या ठिकाणी काहीच होऊ नये अशी मी विनंती करतो। अच्छा, विशेष म्हणजे आमदाराकडून बऱ्याच आम्हाला अपेक्षा आहे, त्या दृष्टीने त्यांनी या मालेगाव शहराची जास्तीत जास्त नवीन उद्योगाकरता आपले वर्चस्व करावे, उद्योग धंदे चांगले व्हावे, या दृष्टीने चांगल्या प्रकारे कार्यरत राहावे अशी मी विनंती करतो।